सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो क्या आपने कभी अरबी के पकोड़े खाए हैं? तो आज हम लोग बनाने वाले अरबी के पकोड़े। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो मैंने लिया है यहाँ पे पत्ता, जो अरबी का पत्ता होता है, कुछ ऐसा दिखता है। एंड फिर हम लोग इसे ऐसे फोल्ड करेंगे एंड हम लोग नाइफ से ऐसा छोटा छोटा चंक्स में कट कर लेंगे हम लोग, कुछ ये टाइप में। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारा मैंने कट करके रखा था। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा मैंने कट किया है, ऐसा छोटा छोटा आप कट कर लेना। आपको जो टाइप में कट करना है वैसे कट कर सकते हो आप। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे एक पोटैटो, और हमारा जो स्लाइसर होता है ये वाला, इसे हम लोग अच्छे से स्लाइस कर लेंगे कुछ ये टाइप में। और ये भी मैंने ऑलरेडी कट करके रखा था, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने ऐसे कट करके रखा था। आप इसे ना वाटर में रख देना, नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा वाटर डाल के रख देना और जब भी आप ऐड करोगे उसे वाटर निकाल देना। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे बड़ा बर्तन, उसमें लेंगे हम लोग बेसन, जो कि मैंने डेढ़ कटोरी लिया है। एंड उसके बाद हम लोग लेंगे ये पत्ते अरबी के। एंड उसके बाद हम लोग इसके बाद लेंगे हमारा जो हमने पोटैटो हमने जो स्लाइसर से हमने किया था वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे जीरा, मैंने हाफ टी स्पून लिया है। उसके बाद हम लोग लेंगे रेड चिली पाउडर 1 टी स्पून। उसके बाद हमने लिया टर्मरिक 1/2 टी स्पून। उसके बाद मैंने लिया है सॉल्ट 1 या 1.5 चम्मच, मैंने लिया है ये सॉल्ट, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग लेंगे अजवाइन, ये मैंने 1/2 टी स्पून लिया है। एंड उसके बाद हम लोग लेंगे हींग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ऐड करना। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे मंगरेल, इसे मंगरेल बोलते हैं या कलौजी सीड्स भी बोलते हैं बहुत लोग। एंड फिर उसके बाद गार्लिक हम लोग ऐड करेंगे। एंड उसके बाद मैंने छोटा छोटा चॉप किया हुआ चिली ऐड किया है। एंड लिटिल बिट वाटर, आप वाटर स्किप भी कर सकते हो टोटली, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी यू नो लिक्विड टाइप है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर ऐसा हमें थिक बैटर एक बना लेना है कुछ ये टाइप में। इसके बाद हम लोग कढ़ाई में ऑयल लेंगे, मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा मीठा तेल लिया है, आप भी वही ले लेना। एंड उसके बाद हम लोग लेंगे हमारा बैटर या जो मिक्सर हमने बनाया है। एंड उसके बाद हम लोग इसे अपने हाथों से छोटे छोटे गोलू टाइप में बना लो या डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर दो। मैंने तो ऐसे ही ऐड कर दिया, आप भी ऐसे ही ऐड कर देना। एंड फिर उसके बाद हम लोग सारा ये ऐड कर लेंगे। एंड बीच में हम लोग एक दो बार इसे चला भी लेंगे। एंड मैंने ये मीडियम फ्लेम पे बनाया, ठीक है। 2 मिनट के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, आप एक दो बार ऐसे बीच बीच में चला लेना। एंड जब उसके बाद आपको ये गोल्डन ब्राउन कलर में, कुछ ये कलर में आ जाए, तब आप इसे निकाल लेना आराम से। एंड दैट्स इट, ये रेसिपी के लिए बस इतना ही था। और इसके साथ आप लोग चाय बना सकते हो या चटनी बना सकते हो या केचप के साथ खा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ इसे खा सकते हो। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड ऑल्सो ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।